हेलो एवरीवन। सो इन दिस वीडियो हम बात करेंगे साइबर सिक्योरिटी की जो सबसे सबसे इम्पॉर्टेंट पिलर्स है, दैट इज CIA। CIA मीन्स कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी, राइट? दिस इज द वेरी वेरी यू नो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन द साइबर सिक्योरिटी। अगर आप बिगनर है या फिर आप पहले से इस साइबर सिक्योरिटी में है, पहले से अगर आप इसी फील्ड में काम कर रहे, तो आपको कहीं ना कहीं ये आपने सुना होगा, आपको पता होगा कि CIA, एवरीथिंग इन साइबर सिक्योरिटी रिवॉल्व्स अराउंड द कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी। हम जो भी करते हैं साइबर सिक्योरिटी में, जो भी प्रोटेक्ट करते हैं, जो भी हम अनऑथराइज एक्सेस से बचाते हैं, या जो भी साइबर सिक्योरिटी में जो भी किया जा रहा है ना, सब का सब मेन फोकस है CIA को इंश्योर करना। नाउ कमिंग टू द मेन टॉपिक, व्हाट इज CIA? फुल फॉर्म तो मैंने बता दिया, लेकिन अगर आप बिगनर है तो आपको जंप करने से पहले, अगर आप किसी चीज में जंप कर रहे हैं, साइबर सिक्योरिटी में आगे बढ़ना चाह रहे हैं, तो आई कैन से कि कुछ कुछ कॉमन कॉन्सेप्ट है, कुछ कुछ बेसिक्स अंडरस्टैंडिंग है जो आपको क्लियर होनी चाहिए। सो हम इस वीडियो में वही क्लियर करने की कोशिश करेंगे। सो वेरी फर्स्ट, कॉन्फिडेंशियलिटी। व्हाट इज कॉन्फिडेंशियलिटी? एज यू कैन से बाय द नेम इटसेल्फ, कॉन्फिडेंशियलिटी मीन्स टू प्रोटेक्ट समथिंग फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस, राइट? आपका कोई इन्फॉर्मेशन है तो वो इन्फॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करना है किसी भी अनऑथराइज एक्सेस से और अनऑथराइज यूजर से, फॉल्स अंडर डी कॉन्फिडेंशियलिटी, राइट? इसको और समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ रियल वर्ल्ड। एक वेबसाइट है, राइट? वेबसाइट फॉर एग्जाम्पल आपकी हो गई फेसबुक। फेसबुक एग्जाम्पल के लिए हम लेके चलते हैं फेसबुक। फेसबुक में आपने अकाउंट बनाया, राइट? अकाउंट आपके, उसमें चैट्स है फेसबुक के अंदर, आपकी जो भी यूजर एक्टिविटी है वो सिर्फ आप तक सीमित है, कोई भी थर्ड पर्सन उसको एक्सेस नहीं कर सकता है, क्योंकि वो आपकी इन्फॉर्मेशन है, आपका डेटा है, राइट? तो कॉन्फिडेंशियलिटी क्या है इस चीज में? आपने जैसे चैट की, वो किसी को एक्सेस ना हो, राइट? उसके प्रोटेक्शन के लिए क्या मैकेनिज्म है? अकाउंट्स है, अकाउंट में पासवर्ड होता है, राइट? जब आपके पास यूजर आईडी और पासवर्ड है तभी आप उस इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हो। दैट मीन्स वो कॉन्फिडेंशियल तो है, लेकिन सिर्फ राइट पर्सन उसको एक्सेस कर सकता है। राइट पर्सन कौन है? आप। कैसे पता चल रहा है? आपके पास पासवर्ड है, इसलिए आप उसके राइट पर्सन हो, ऑथराइज पर्सन हो, है ना? कॉन्फिडेंशियलिटी, काफी लोगों को एक मिसअंडरस्टैंडिंग होती है कि कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब होता है कि हाइडिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम अदर यूजर्स। दैट इज पार्शली करेक्ट, वी आर गोइंग टू हाइड इन्फॉर्मेशन फ्रॉम अदर यूजर्स, बट ओनली एक्सेस टू बी प्रोवाइडेड to those person who are authorized to, you know, that particular information. इसको और second example लेके चलते हैं, आपके mobile phone का। सभी लोग mobile phone को use करते हैं, right? तो आपके mobile phone में आपकी personal pics होगी, आपकी information होगी, आपकी data होगी काफी, right? तो उसके लिए हम generally क्या करते हैं आजकल? Lock use करते हैं, right? Screen lock हो गया, pattern हो गया, या फिर any type of lock, right? मोबाइल फोन एक डिवाइस है, उसका मेन यूजर कौन हो? आप। तो उसके लिए ऑथराइज यूजर कौन हो? आप। आप कैसे डेटा को एक्सेस कर सकते हो? जब आप उस पर पासवर्ड प्रोवाइड करोगे, राइट? आपने पासवर्ड डाला, देन यू कैन एबल टू एक्सेस दैट पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन विच आर प्रेजेंट इनसाइड द मोबाइल, राइट? सो इन समरी वी कैन से कि कॉन्फिडेंशियलिटी का मेन मोटो है कि इन्फॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करना अनऑथराइज एक्सेस से, राइट? इसका जो टेक्निकल यूज में काम होता है, काफी लोगों ने सुना भी होगा साइबर सिक्योरिटी में, कॉन्फिडेंशियलिटी अचीव कैसे होता है? इंक्रिप्शन से, राइट? इंक्रिप्शन से कोई भी इन्फॉर्मेशन है उसको इनक्रिप्ट कर देते हैं, और जब कीज होती है, इंक्रिप्शन की जो पब्लिक की एक प्राइवेट की होती है ना, सिमेट्रिक एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन, वी विल कवर इन डिफरेंट यू नो वीडियो लेक्चर। तो जो भी इंक्रिप्शन हमने यूज करा उसके लिए जो भी की है उसकी, उस की जिन जिनके पास होगी वो उसके ऑथराइज यूजर है। बिना की के कोई भी अनऑथराइज पर्सन उस इन्फॉर्मेशन और डेटा सेट को एक्सेस नहीं कर सकता। डेट विल फॉल अंडर द कॉन्फिडेंशियलिटी, राइट? सो साइबर सिक्योरिटी में हम जो भी करते हैं, कॉन्फिडेंशियलिटी के इर्द गिर्द घूमती रहती है पूरी साइबर सिक्योरिटी, राइट? अब नाउ कमिंग टू द इंटीग्रिटी, व्हाट डू यू मीन बाय इंटीग्रिटी, राइट? फॉर एग्जाम्पल, आपकी कोई इन्फॉर्मेशन है, राइट? आपने कोई एग्जाम दिया, एग्जाम्पल लेके चलते हैं, एग्जाम का आपने एग्जाम दिया, राइट? एग्जाम की कॉपी आपने फिल की, वो कॉपी कहाँ जा रही है? आपकी फैकल्टी के पास जा रही है, ठीक? वो कॉलेज में सबमिट हो रही है या फिर जो भी चेक कर रहे उसके पास जा रही है, ठीक?
इंटीग्रिटी मेंटेन कैसे हो रही है उस कॉपी में। इंटीग्रिटी का क्या मतलब है? इंटीग्रिटी का मतलब यह है कि एनी पर्टिकुलर डेटा सेट और इन्फॉर्मेशन कैन ओनली बी चेंज बाय द ऑथराइज यूजर, अनऑथराइज चेंज नहीं हो सकता उसमें। आपकी कॉपी है, आप ही उसमें चेंज कर सकते हो। आपने एग्जाम लिखा, आप ही लिख रहे हो ना, और कोई तो आपका फ्रेंड आके नहीं लिख रहा ना। एक वो आपने सबमिट कर दी वो कॉपी, उसके बाद कहाँ जा रही है वो कॉपी? फैकल्टी के पास जा रही है। तो वो वहाँ पे क्या आपने खुद से आंसर टाइप लिख देंगे? नहीं ना, बिल्कुल नहीं। तो यही इंटीग्रिटी का मतलब यही है कि कोई भी डेटा इन्फॉर्मेशन है कैन ओनली बी चेंज और मॉडिफाई बाय देयर यू नो एक्चुअल यूजर और ऑथराइज यूजर, दैट फॉल्स अंडर द इंटीग्रिटी। अगेन दूसरा एग्जाम्पल लेके चलते हैं फेसबुक का ही। फेसबुक में आपने अकाउंट बनाया, राइट? अकाउंट बनाने के बाद उसमें काफ़ी डिटेल्स आप फिल करते हैं उस वेबसाइट में, पर्टिकुलर वेबसाइट में आपकी नेम, एड्रेस एंड काफ़ी सारी चीज़ें होती है, आपके चैट्स वगैरह भी रहती है उस पर्टिकुलर फेसबुक वेब एप्लीकेशन में, राइट? अब क्या होगा कि सपोज आपको अपना नाम चेंज करना है, ठीक, तो कौन चेंज करेगा? मैं कर सकता हूँ? बिल्कुल नहीं। जब तक मेरे पास पासवर्ड नहीं है तब तक मैं ऑथराइज यूजर नहीं हूँ। अगर मेरे पास पासवर्ड है तभी मैं ऑथराइज यूजर बन सकता हूँ इस केस में, और मैं जाके चेंज कर सकता हूँ आपका नाम वहाँ पे, आपकी जो भी इन्फॉर्मेशन है, जो भी डिटेल्स है, राइट? सो आई होप कि ये एग्जाम्पल क्लियर हुआ होगा। नहीं हुआ तो हम दूसरा एग्जाम्पल लेके चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि आपने जो ट्रांजेक्शन किया, हम सब लोग जीपे यूज़ करते, गूगल पे, फ़ोनपे और पेटीएम वगैरह सभी यूज़ करते, राइट? आपने एक बार यूज़ किया, आपका फ्रेंड है, आपने अपने फ्रेंड को एक सपोज 100 रुपीज़ सेंड करे गूगल पे या फोन पे कहीं से भी। जब एक बार आपने पैसे उसको सेंड करे तो क्या रास्ते में जाते जाते कोई उस अमाउंट को मॉडिफाई कर सकता है? सोचो, कोई नहीं कर सकता। यहाँ से मैंने भेजे 100 रुपये, वहाँ पे पता चला कि वो 50 रुपये रहेगा। ऐसा होता है क्या? रास्ते में मॉडिफाई होता है कुछ भी? इन्फॉर्मेशन नहीं होती ना। आपने फेसबुक में, आप किसी चैट कर रहे हो, आपने लिखा हेलो हेलो माय नेम इज अमन, और आपने सेंड किया अपने जो भी फ्रेंड है उसको, पता चला कि उसके पास आ रहा है माय नेम इज ABC और चेंज हो गया XYZ में। ऐसा होता है क्या? कभी नहीं होता है ना। सो दैट मीन्स कि इन्फॉर्मेशन डेटा सेट कैन ओनली बी मॉडिफाई बाय द ऑथराइज यूजर। सो वो होता है अपना इंटीग्रिटी में आता है। इसके लिए हैशिंग वगैरह यूज करते हैं। हैशिंग भी हम डिटेल्स में आगे पढ़ेंगे हैशिंग क्या होता है, लेकिन अभी फिलहाल के लिए हैशिंग का ये समझ लो। हैशिंग में जब कोई भी इन्फॉर्मेशन, कोई भी डेटा की हम जो हैश करते हैं ना, वो हैश को अगर कोई भी डेटा, सपोज कैसे यूज होता है एक्चुअली, कोई भी इन्फॉर्मेशन उसका हमने हैश क्रिएट किया, राइट? उसमें हल्का से भी स्लाइटली मॉडिफिकेशन होगा ना। सपोज उसमें माय नेम इज अमन दुबे, तो उसमें अगर मैंने माय नेम इज AMAN की जगह AMAA हल्का सा मॉडिफाई किया ना, मॉडिफाई भी नहीं किया, एक स्पेस ज्यादा बढ़ा दिया ना, तो उसका जो ओवरऑल जो हैश होता है ना, हैश वैल्यू चेंज हो जाती है। तो दैट वी कैन आइडेंटिफाई दैट कि प्रीवियसली हैश वैल्यू ये थी और अभी नई हैश वैल्यू ये है, तो उससे इजिली पता चल जाएगा कि इसमें मॉडिफाई हुआ। इसलिए हैशिंग का यूज करते हैं जनरली इसमें, राइट? एंड द थर्ड कॉन्सेप्ट इज अवेलेबिलिटी, विच इज द आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट अमंग द थ्री। सो अवेलेबिलिटी का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है IRCTC वेबसाइट, राइट? और आपके बैंक कैसे? फॉर एग्जाम्पल आपने टिकट रिजर्वेशन किया होगा वेबसाइट के थ्रू, IRCTC के थ्रू, या फिर बैंक में आपने फंड ट्रांसफर किया होगा बैंक अकाउंट में, वेबसाइट में जाके ट्रांसफर वगैरह किया होगा, या फिर कुछ भी किया होगा, राइट? सो पहले एग्जांपल लेते हैं IRCTC का। आपने उसमें अपना अकाउंट बनाया IRCTC में, राइट? अकाउंट बनाने के बाद क्या किया आपने, क्या करते हैं जनरली अकाउंट बनाने के बाद? अकाउंट बनाया, फिर आपको टिकट बुक करना है, राइट? बुकिंग टाइम है तत्काल का, सुबह के टाइम 10 बजे खुलता है, 9-10 बजे आपने विंडो ओपन हुई जैसे तत्काल के, आपने तुरंत लॉगिन किया कि हाँ सबसे पहले भाई मेरे को ये टिकट चाहिए पर्टिकुलर। आपने जैसे ही लॉगिन किया पता चला वेबसाइट सर्वर ही डाउन है, राइट? अवेलेबल ही नहीं है वो सर्वर, राइट? हो गई ना दिक्कत। आपका बैंक अकाउंट है, आपके पास पूरा इंटरनेट बैंकिंग की पूरी डिटेल है आपकी अपनी, आपने लॉगिन किया, पासवर्ड डाला, OTP आया फोन पे, ऐसा तैसा करके आपने लॉगिन किया, पता चला कि आपका अकाउंट ही नहीं है, अकाउंट ही नहीं खुल रहा है, सर्वर डाउन है या फिर कोई भी प्रॉब्लम है, और आपको इमिडिएटली किसी को आपको फंड ट्रांसफर करना है, तो सोचो कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है इस केस में, राइट? सो दैट कम्स अंडर द अवेलेबिलिटी। दैट मीन्स द इंफॉर्मेशन शुड बी मस्ट बी अवेलेबल टू द ऑथराइज यूजर। ऑथराइज, हमेशा आपने ये चीज नोटिस की होगी, मैं तीनों केस में ऑथराइज यूजर को हमेशा पॉइंट कर रहा हूँ, क्योंकि कोई इन्फॉर्मेशन है वो अवेलेबल रहे काम के टाइम, तो
तो ठीक है, लेकिन वो सिर्फ ऑथराइज यूजर को अवेलेबल हो। मेरी इन्फॉर्मेशन, मैं ऑथराइज यूजर हूँ उसको यूज करने के लिए, तो मेरे को अवेलेबल हो, राइट। कोई कंपनी है, कंपनी में कोई फंड इन्फॉर्मेशन है, कोई किसी की सैलरी से रिलेटेड, एचआर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, और अगर उनका जो सिस्टम डाउन है, सो ऐसा तो नहीं कि जो दूसरे डिपार्टमेंट है, फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्शन है, या फिर जो भी डिपार्टमेंट है अकाउंट वाले के अलावा, एचआर के अलावा दूसरे डिपार्टमेंट है, उनको भी वो इन्फॉर्मेशन की जरूरत हो। नहीं ना, एचआर की इन्फॉर्मेशन सैलरी रिलेटेड, तो एचआर को जरूरत पड़ेगी ना कभी भी, तो उनको अवेलेबल होनी चाहिए। ऐसे फॉर एग्जाम्पल आईआरसीटीसी में जब भी टिकट बुकिंग हो रहे हैं, तो जिसका अकाउंट है और जो यूज करते हैं आईआरसीटीसी, वो ऑथोराइज यूजर है, ठीक। मेरे पास अकाउंट नहीं है अगर आईआरसीटीसी का, और मैं चाह रहा हूँ मेरा टिकट बुक हो जाए, मेरे को वो इन्फॉर्मेशन एक्सेस हो, तो मैं तो ऑथोराइज यूजर ही नहीं हूँ ना, तो क्यों मेरे को एक्सेस होगी, है ना। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर क्लियर समझ में आ रहा होगा। ऑथोराइज ऑथोराइज मीन्स द पर्सन जिसको परमिशन ग्रांट है वो पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन और डेटा को एक्सेस करने के लिए, वो ऑथोराइज पर्सन होते हैं। और तीनों केस में ऑथोराइज पर्सन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, है ना। डेटा अवेलेबल, कॉन्फिडेंशियलिटी में डेटा अवेलेबल हो सिर्फ ऑथोराइज यूजर को, इंटीग्रिटी में सिर्फ ऑथोराइज यूजर ही डेटा को चेंज कर सके, और अवेलेबिलिटी में भी डेटा सिर्फ अवेलेबल हो, अवेलेबिलिटी में भी डेटा सिर्फ अवेलेबल हो ऑथोराइज यूजर को, और कॉन्फिडेंशियलिटी में सिर्फ अवेलेबल, मतलब इन द सेंस कि जो क्रिटिकल डेटा है फॉर एग्जाम्पल, या फिर नॉर्मल केस में कोई भी इम्पॉर्टेंट डेटा है, वो सिर्फ ऑथराइज यूजर को ही अवेलेबल हो। और अवेलेबिलिटी का मतलब यह, दोनों केस में थोड़ा कन्फ्यूजन ना हो इसलिए मैं क्लियर करता हूँ, कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब यह कि इन्फॉर्मेशन सिर्फ अवेलेबल हो ऑथराइज यूजर को, पहला केस, राइट। और अवेलेबिलिटी में क्या है कि जो इन्फॉर्मेशन है, जब ऑथराइज यूजर को नीड हो, जब वो चाहे उसको काम हो, तब वो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हो उसको, वो आता है अवेलेबिलिटी में। इसलिए फॉर एग्जाम्पल हम बैंकिंग में, आपने देखा होगा कि मिरर सर्वर्स होते हैं, है ना, सेकेंडरी सर्वर होते हैं, जब आप भी अपना बैकअप करते हैं, राइट, आपके जो फोन में पिक्स वगैरह होते हैं, आप उसका बैकअप लेते हैं कंप्यूटर में या फिर बैकअप ड्राइव में, राइट, क्योंकि वो आपका इन्फॉर्मेशन, आपका डेटा है। अगर वो किसी कारणवश अगर वो करप्ट हो जाती है आपके फोन में, या फिर डिलीट हो जाता है, मॉडिफाई हो जाता है, तो आपके पास सेकेंडरी सोर्स है, उसका सेकेंडरी सोर्स ऑफ ट्रूथ हम लोग बोलते हैं टेक्निकल टर्म में, वो आपके पास है, राइट। सो अवेलेबिलिटी को कैसे हम मेंटेन करते हैं, बैकअप के थ्रू। आप समरी टू रैप अप ऑल द थिंग्स वी हैव जस्ट कवर, वेरी फर्स्ट कॉन्फिडेंशियलिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी मीन्स इन्फॉर्मेशन शुड बी अवेलेबल ओनली टू ऑथराइज यूजर, राइट। उसको कैसे मेंटेन करते हैं, इनक्रिप्शन से, राइट, फर्स्ट। सेकेंड इज इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी मीन्स जी जो इन्फॉर्मेशन कैन ओनली बी मॉडिफाई बाय द ऑथराइज यूजर, सिर्फ ऑथराइज इंसान ही इन्फॉर्मेशन और डेटा सेट को मॉडिफाई कर सकता है, ठीक। उसको हम कैसे जनरली प्रोटेक्ट करते हैं, इंश्योर करते हैं, बाय द हेल्प ऑफ हैशिंग, राइट। नाउ कमिंग टू द थर्ड पॉइंट विच इज अवेलेबिलिटी, राइट। अवेलेबिलिटी मीन्स द इंफॉर्मेशन मस्ट बी अवेलेबल टू द ऑथराइज पर्सन when the person demand that particular information। जब भी किसी ऑथराइज यूजर को एक इन्फॉर्मेशन की जरूरत है, उस वक्त उस टाइम वो उसको इजिली अवेलेबल हो। इसका एग्जाम्पल हमने कैसे लिया था, बैकअप के थ्रू। आईआरसीटीसी के सर्वर होते थे, और पहले तो काफ़ी जब लोड आता था तो वो डाउन हो जाते थे आईआरसीटीसी की वेबसाइट, लेकिन आज के टाइम पे काफ़ी उनने अपना जो ओवरऑल रिस्पॉन्स और ओवरऑल जो अपना सर्वर की जो कैपेसिटी है वो बढ़ा दी है, तो उसके अकॉर्डिंग जब भी लोड आता है तो वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। उनके और भी लोड बैलेंसर वगैरह यूज़ कर रहे हैं, वो टेक्निकल टर्म में आगे हम डिस्कस करेंगे कैसे, तो आज के टाइम पे वो नहीं होती जनरली, आईसीटी की वेबसाइट डाउन नहीं मिलती है आज के टाइम में, मैक्सिमम केस में मैंने देखा है, राइट, अवेलेबिलिटी हो गया। सो आई होप कि ये तीनों सबसे इंपॉर्टेंट और बेसिक्स फंडामेंटल पिलर्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी है, जितना भी हम पढ़ेंगे साइबर सिक्योरिटी सब इसी के आजू बाजू इर्द गिर्द घूमता रहेगा। सो आई वुड सजेस्ट यू कि अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं, सीधे आप ना हैकिंग स्टार्ट करें तो सीधे काली में जाके ये सब अपनी स्क्रिप्ट वगैरह रन करने से पहले आप फंडामेंटल्स पढ़े, आपको पता चले कि ये पर्टिकुलर जो हमारा टूल है, एप्लीकेशन है, क्यों बनाया गया है, इसका यूज क्या है, इससे हम क्या अचीव कर रहे हैं, राइट। थोड़ा ये पता चले कि कैसे काम होता है, राइट। कोई आपको हैक करने के पैसे नहीं देता है, आपको प्रोटेक्ट करने के पैसे देता है। प्रोटेक्ट तभी कर पाएंगे जब आपको फंडामेंटल्स क्लियर होंगे, राइट। सो बी अ साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल, बी अ साइबर सिक्योरिटी गाय, डोंट बी अ हैकर। और आगे भी हम ऐसे सीखते रहेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगले वीडियो में।